हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर में मौर्योत्तर कला, स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्यों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंश पनप गए। उत्तर में शुंग, कर्ण, कुषाण व शक, दक्षिण में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर व काटक। शैव, वैष्णव व ब्राह्मण संप्रदायों का भी उद्गम दिखा। गुफा व स्तूप निर्माण जारी रहा। मूर्तिकला के विभिन्न शैलियों का उद्भव। मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। स्थापत्य कला गुफाओं में दो प्रकार का विकास दिखा। पहला चैत्य, दूसरा विहार। चैत्य, इस अवधि में चैत्य कक्षों का विकास हुआ। ये समतल चतुष्कोणीय प्रार्थना कक्ष थे। विहार, बौद्ध व जैन भिक्षुओं के आवासीय कक्ष मौर्य साम्राज्य से। कार्ले का चैत्य हॉल, अजंता की गुफाएं, 29-25 विहार व 4 चैत्य। उदयगिरी में 18 व खंडगिरी में 15 गुफाएं मिली। कलिंग राजा खारवेल के अधीन इनका निर्माण हुआ। वर्तमान भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की गुफाएं, हाथी गुफा अभिलेख जो कि जिसकी लिपि ब्राह्मणी है, हेतु प्रसिद्ध। यह अभिलेख राजा खारवेल के अभियानों पर प्रकाश डालता है। रानी गुम्फा गुफा उदयगिरी, 2 मंजिला, इसमें कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। इस काल यानी मौर्योत्तर में स्तूप विशाल व अलंकृत चले गए। लकड़ी व ईंट के जगह पत्थर का प्रयोग होने लगा। अलंकृत प्रवेश द्वारा द्वार रूप में तोरण का निर्माण होने लगा। शुंग राजवंश, सांची के स्तूप का तोरण। मौर्योत्तर कला मूर्तिकला। मौर्योत्तर अवधि में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियों का विकास अलग अलग जगहों पर हुआ। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गांधार शैली देखें तो इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है, ग्रीक इंडियन। प्रारंभिक समय में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग व बाद में मिट्टी व प्लास्टर का उपयोग। बौद्ध चित्रकला ग्रीक रोमन देवताओं से प्रभावित। कुषाण शासकों का संरक्षण। इस शैली में बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो लहराते बाल व आध्यात्मिक मुद्रा, सिर पर जटा व आंखें बंद। यह शैली आधुनिक पेशावर व अफगानिस्तान के पास पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में हुआ। मूर्तियां ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित है जो अपोलो की मूर्तियों से मिलती हैं। मथुरा शैली स्वदेशी रूप में विकसित, इस पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव नहीं। इस शैली की मूर्तियां चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बनाई। इस शैली पर तीनों धर्मों का प्रभाव था, हिंदू, जैन, बौद्ध। यह भी संरक्षण कुषाण शासकों का था। इस शैली की मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित है। प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग। शिवलिंग के रूप में बुद्ध को 2 बोधिसत्व से घिरा दिखाया। शैली का विकास यमुना नदी के किनारे। पहली से तीसरी शताब्दी, इस शैली में बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो चेहरा मुस्कुराता दिखाया। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं। शरीर हृष्ट पुष्ट व चेहरा व सिर मुड़ा हुआ है। मथुरा शोक व कंका लीटीला के आसपास विकसित हुई। अमरावती शैली, यह भी स्वदेशी रूप से विकसित, मतलब बाहरी प्रभाव नहीं। मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर की। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो बौद्ध प्रभाव। इस शैली की बात करें तो इससे सातवाहन शासक का संरक्षण। भारत के दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के किनारे विकास हुआ। गतिशील आकृतियों पर जोर दिया गया। 3 झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग, जिसे त्रिभंग आसन कहते हैं। बुद्ध की मूर्ति समानतः बुद्ध के जीवन व जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाता है। कृष्ण गोदावरी की निचली घाटी अमरावती व नागार्जुन कोंडा में विकसित हुई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।